ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आगरा में लोधी निसा समाज ने घेरा डीएम आवास। क्वारी कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगरा में निकाला गया कैंडल मार्च। वहां के गांव क्वारी में 2 जून को हुई थी बीए की नाबालिग छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। मुकदमा दर्ज होने के बाद छात्रा के परिजनों को समझौते के लिए मिल रही थी धमकियां। कैंडल मार्च में आगरा, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा सहित कई जिलों से पहुंचे लोधी निसा समाज के लोग। हम ये शांति प्रिय कैंडल मार्च आज हमारी बेटी अर्चना लोधी निवासी क्वारी तहसील भा, जिसको गांव के कुछ दबंग लोगों ने अपहरण किया, बलात्कार किया और लाश को जो है कुएं में डाल दिया। और वो अपराधी जो है खुद उसमें से एक अपराधी मुकेश शर्मा जाके पुलिस के सामने अरेस्ट कर देता है अपने आप को। और कई सारे उसने बयान दिए खुद कि मैं इस लड़की को अपनी गाड़ी में लेके एंजॉय मेरी कार थी उसमें ले गया और वहाँ से ले आगरा ले गया, यहाँ से और आगरा एक भाभी के यहाँ ले गया। माँ के साथ मैंने बलात्कार किया और बलात्कार करके मैंने इसकी जो मौत कर दी। ठीक है, अब इसमें 2 अपराधी और थे जो चश्मदीद का हमारे चश्मदीद गवाहों ने उनका नाम दिया जिन्हें देखा लड़की की माँ ने। इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चश्मदीद जो अपराधी 2 अपराधी हैं खुले घूम रहे हैं गाँव में और वो पीड़ित परिवार को और प्रधान जी को समझौता करने के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज ये है शांति प्रिय कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि पुलिस पर हमें विश्वास नहीं रहा। सीबीआई की जांच हो और जो मेन अपराधी है उसको रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाए। इसमें कई सारे लोग संदिग्ध हैं और वो भाभी कौन है जो आगरा में लाया था वो लड़का उसको लड़की को, और वो गाड़ी कौन है आज तक गाड़ी को कोई पता नहीं किया पुलिस ने, वो भाभी कौन है पता नहीं, जबकि वो अपराधी ने खुद लिखित बयान दिया अपना। आप तो इंसाफ दिलाना चाहते हैं? हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं, हम मांग करते हैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी से, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, गृहमंत्री जी से, इसकी सीबीआई जांच हो। जैसे अभी उन्नाव कांड हुआ उसकी सीबीआई जांच हुई, उसमें क्लियर साफ हो गया एक अपराधी कौन था। निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, सीबीआई जांच हुई, क्लियर हो गया। इसीलिए हमको भी इस पर डाउट है प्रशासन पर, इसकी भी सीआई जांच हो और पानी पानी होना चाहिए। अपराधियों को तुरंत अरेस्ट करके फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। जैसे हाईलाइट केसों का होता है इसी तरह से उसका होना चाहिए। दिल्ली, लखनऊ में जो केस होते हैं इस तरह से इसका भी होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, सीआई जांच हो, हम ये मांग करते हैं। और हमें न्याय। खबर यूपी के आगरा से है जहां बाघ थाना क्षेत्र के गाँव क्वारी में बीए की नाबालिग छात्रा अर्चना का 2 जून को अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और शव को ठिकाने लगाने के लिए कुएं में फेंक दिया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद हत्यारोपी खुलेआम घूम रहे हैं और छात्रा के परिजनों को समझौते के लिए तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस हत्याकांड में इंसाफ नहीं मिलने से आक्रोशित अखिल भारतीय लोधी निसा कश्यप बिंद एकता महासभा द्वारा काली पट्टी बांध आगरा में 27 जून को कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च प्रतापपुरा चौराहे से डीएम आवास तक निकाला गया। लोधी निसाद के लोग हजारों की संख्या में कैंडल मार्च के साथ डीएम आवास पर पहुंच गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो आक्रोशित लोधी निसाद समाज के लोग डीएम आवास के सामने धरने पर ही बैठ गए। गुस्साए लोधी निसा समाज के लोगों ने डीएम आवास घेर लिया। डीएम के आगरा से बाहर होने पर डीएम प्रतिनिधि सदर उप जिलाधिकारी रजनीश मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। और पुलिस की गतिविधि का विरोध करते हुए इस जघन्य प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
ज्ञापन मां महिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश गृह मंत्री, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, माननीय अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, माननीय अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग को दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि उक्त प्रकरण में पूर्णतः न्याय नहीं मिला तो अहिंसक आंदोलन देश व राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा। न्याय न मिलने पर उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। आगरा से टाइम्स 18 न्यूज के लिए बालकिशन वर्मा की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की।